मुंबई के नेहरू नगर में युवती की चाकू मारकर हत्या। मंगलवार को अनजान शख्स ने पीठ में घोंपा था चाकू, इलाज के दौरान हुई मौत। मुंबई के नपेंसी रोड पर बेस्ट की बस ने आगे चल रही टैक्सी को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में टैक्सी ड्राइवर घायल, बस ड्राइवर हिरासत में। मुंबई के विलेपाले में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर टेम्पो और टाटा सुमो में टक्कर, हादसे में सुमो ड्राइवर को लगी चोट। मुंबई में 7 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के मोबाइल पर दाऊद के घर से फोन के मामले में मुंबई पुलिस ने तेज की जांच। एथिकल हैकर मनीष भंगाले ने पुलिस को सौंपे तमाम डिटेल। पटना में एक डॉक्टर पर बदमाशों ने किया हमला, फायरिंग में बाल बाल बचे डॉक्टर, कंपाउंडर और ड्राइवर फायरिंग में घायल। पटना के पौशला के शास्त्री नगर में एक अपार्टमेंट के 5 फ्लैट में चोरी, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पटना में अब साइकिल पर गश्त करेगी पुलिस, 6 थानों में शुरू किया गया प्रयोग। गया में सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। दिल्ली में ठगों के एक गैंग ने बुजुर्ग प्रिंसिपल को लगाया लाखों का चूना, पति के इंश्योरेंस के नाम पर ठगे 63 लाख, चारों आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में शादी में हो रहे डीजे डांस के दौरान फायरिंग, एक महिला गोली लगने से घायल। आगरा में एक नवविवाहिता ने अपने पति की दूध में जहर देकर की हत्या, घर से ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार। उन्होंने एक घर से नकदी और कीमती सामान पर साफ किया हाथ, सीसीटीवी में दिखे चोरी के 3 आरोपी। यूपी के रामपुर में शराब भट्टियों के पास के होटलों और हट्टियों पर पुलिस कार्रवाई, 75 लोगों को हिरासत में लिया गया। लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की बैठक के दौरान हंगामा, राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य से मारपीट। यूपी के अमरोहा में मस्जिद से पंखा चुराने के आरोपी की खंभे से बांधकर पिटाई, गुस्साए लोगों ने चोर को गंजा किया। जौनपुर में कुछ दिन पहले हुई लूट की वारदात को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 5 दिन में किया हल, 2 बदमाश गिरफ्तार, हथियार जब्त। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने चोरों के गिरोह को पकड़ा, लाखों के जेवर, कार और दूसरे सामान बरामद, सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए बदमाश। नौज में ऋतु के शव को कब्र से निकालकर आज दोबारा किया जाएगा पोस्टमार्टम, नोएडा में संदिग्ध हालत में हुई थी ऋतु की मौत। आगरा ग्वालियर हाईवे पर जाम लगा रही महिलाओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, राशन दुकान दूसरे इलाके में अलॉट होने से नाराज थी महिलाएं। गांधी परिवार पर सवाल उठाने वाले अभिनेता ऋषि कपूर के खिलाफ कांग्रेस का विरोध जारी, इलाहाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुलभ शौचालय का नाम ऋषि कपूर पब्लिक टॉयलेट कर दिया। सहारनपुर में 26 मई को प्रधानमंत्री की रैली के लिए मुस्लिम किसान ने काटी फसल, कहा हमें नहीं चाहिए मुआवजा, खुशी खुशी मंच बनाने की दी इजाजत। अमरोहा में फेसबुक पर मुलायम का फोटो पोस्ट कर फंसा एक युवक, एसपी नेता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। शामली में रेलवे ट्रैक पर 3 सिरकटी लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में रेलवे ट्रैक पर युवक युवती का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस को पहली नजर में खुदकुशी का शक। हापुड़ में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक से शराब की 110 पेटियां जब्त, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। अमरोहा में एक शराबी पिता पर 1.5 साल की मासूम बेटी की हत्या का आरोप, पत्नी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। कानपुर में आईपीएल मैच के दौरान मारपीट की घटना पर बवाल जारी, डीएम दफ्तर के बाहर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। सुल्तानपुर में अवैध हथियारों का कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एसटीएफ लखनऊ की टीम ने जिले की पुलिस के साथ मिलकर 4 लोगों को किया गिरफ्तार। फरुखाबाद के पास चलती ट्रेन में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, फतेहगढ़ स्टेशन पहुंचने पर महिला और बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
महिलाओं की गोद भरने के नाम पर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाने वाला ढोंगी बाबा परमानंद बाराबंकी में गिरफ्तार, पेशी के बाद अदालत ने भेजा जेल। मेरठ के मखदूमपुर गांव में एक महिला को ससुराल में जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला, अस्पताल में तोड़ा दम। संभल में कर्मचारी के नहीं होने पर युवक ने डाकघर में की जमकर तोड़फोड़, मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की जमकर की पिटाई, अस्पताल में भर्ती। फतेहपुर में सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के खिलाफ लोगों में गुस्सा, खनन माफियाओं पर शिकंजा नहीं कसने पर सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। गोरखपुर में शराब बिक्री के खिलाफ बच्चों ने खोला मोर्चा, लाठी और डंडे से लैस होकर 5 शराब भट्टियां तोड़ी। कटिहार में नाबालिग बेटी की आबरू बचाने के लिए महिला ने पति को कुल्हाड़ी से काट डाला, थाने पहुंचकर कबूला जुर्म। छपरा में मटियार पुल के पास 18 साल की लड़की का शव मिलने से हड़कंप, रेप के बाद हत्या किया शक्का। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, मुजफ्फरपुर में एक कंपनी के कर्मचारियों पर फायरिंग कर 20 लाख लूटकर फरार हुए बदमाश। गया में चेकिंग के दौरान 3 किलो अफीम जब्त, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दरभंगा में पंचायत चुनाव प्रचार में पहली बार उतरे सितारे बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद और अली खान ने महिला उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। बिहार के दरभंगा में पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी, पुलिस को पारिवारिक कलह की वजह से वारदात का शक। लातेहार में घर में घुसकर 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप, आरोपी की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवघर में तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को गर्मी से दी राहत, 45 डिग्री के पार पहुंच चुका था पारा। जामताड़ा में सरकारी हाई स्कूल सरकारी उपेक्षा का शिकार, बेंच नहीं होने से खड़े होकर पढ़ाई करते हैं छात्र। धोनी पर बन रही फिल्म से रेलवे ने कमाए करीब 30 लाख रुपए, करीब 12 साल पहले टिकट कलेक्टर हुआ करते थे कैप्टन कूल, रांची में फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार। अलवर के बिछाला गांव में डाकुओं का आतंक, बुजुर्ग महिला की हत्या कर बहू को किया अगवा, 6 लाख का माल भी लूटकर फरार हुए। प्रतापगढ़ में एक खेत में 42 साल के शख्स की कुएं में मिला शव, 5 दिनों से घर में से था गायब, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीकानेर में आवारा कुत्तों का आतंक, पानी की तलाश में निकले 22 हिरणों को मार डाला। बारा में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ शिकंजा, पुलिस ने 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की। फतेहपुर शेखावटी में बाइक को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प में 7 लोग घायल, घायलों में 5 की हालत गंभीर। करौली में हिंडौन सिटी थाने में तैनात जवान ने ससुराल में की खुदकुशी, पेड़ से लटका मिला शव। सीकर में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत। अजमेर में कुख्यात बदमाश धन सिंह का आतंक, टोल नाके पर पिस्तौल की नोक पर टोल कर्मियों को बनाया मुर्गा, पूरी वादा सीसीटीवी में कैद। नागौर में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी, परिजनों ने रिश्ते पर जताया था एतराज। झालावाड़ में हुई 3 लाख की लूट का खुलासा, एक अपराधी गिरफ्तार, 3 अब भी फरार। फरीदाबाद में बिजली के खंभे बदलने के दौरान 2 लोग क्रेन की चपेट में आए, 1 की मौत, 1 बुरी तरह घायल। यमुनानगर में अस्पताल में घुसी बेकाबू कार, रिसेप्शन पर तैनात कर्मचारी कार की चपेट में आकर बुरी तरह घायल, नशे में चूर रईस दादा पुलिस की गिरफ्त में। गुड़गांव के सेक्टर 56 में रैपिड मेट्रो के निर्माणाधीन साइट पर हादसा, ऑटो रिक्शा पर गिरा लोहे का गार्डर, हादसे में ड्राइवर बुरी तरह घायल, ऑटो में सवार युवक युवती को भी लगी चोट। भिवानी में देर रात आए आंधी तूफान में एक घर का छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत, 1 शख्स घायल। हिसार में तेज आंधी के चलते पेड़ गिरने से टूटी नहर, रेलवे ट्रैक पर मिट्टी खिसकने से रोकनी पड़ी ट्रेन। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा, राज्यपाल से मिलकर राज्य में शराबबंदी की मांग की। इंदौर में 90 फीट ऊंची टावर पर चढ़कर एक युवक ने 2 घंटे तक किया जमकर ड्रामा, पुलिस के खिलाफ थी नारेबाजी।
झांसी में कर्ज से परेशान होकर एक किसान ने खेत में पेड़ से लटक कर की खुदकुशी। 6 बीघा जमीन के मालिक पर था करीब 1.5 लाख का कर्ज। सतना में घर के बाहर खेल रही 6 साल की लड़की को अगवा कर मुंबई में बेचने का सनसनीखेज मामला। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इंदौर में मूक बधिर छात्राओं का फेस्टिवल। पाकिस्तान से आई गीता ने अपने डांस से लोगों का मोहमन। दिल्ली में DTU अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने जूनियर डॉक्टरों की भर्ती में धांधली का लगाया आरोप। अस्पताल प्रशासन से जांच की मांग। दिल्ली में बिजली और पानी की किल्लत की वजह से कापसहेड़ा में लोगों का पलायन। 50 घरों में लटका ताला। दिल्ली में कालकाजी में बुजुर्ग महिला पर बेटी का अत्याचार। घर में दूध फटने पर पहले जड़ा थप्पड़ फिर जमीन पर घसीटा। पड़ोसी ने बनाया वीडियो। नारायण साई को सुनवाई के लिए सूरत की अदालत में किया गया पेश। नारायण ने खुद को बताया बेकसूर। बीकानेर में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का कमाल। दिव्यांगों के लिए इजाद की सूरज की रोशनी से चलने वाली ट्राईसाइकिल। मालेगांव धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों का मुंबई के आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन। सरकार से मुआवजे की मांग। मुंबई में 3 डांस बार को पुलिस से मिला लाइसेंस। 5 डांस बार मालिकों को फीस जमा करने के बाद जारी होगा लाइसेंस। मुंबई के मालवाणी में 4 महीने पहले महिला की हत्या की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। हॉरर किलिंग का बताया मामला। 3 आरोपी गिरफ्तार। बुलडाना में वन विभाग की गिरफ्त में आया आदमखोर भालू। एक शख्स को मौत के घाट उतारा था। नासिक में प्याज की सही कीमत नहीं मिलने से नाराज किसान। प्याज की फसल खाने के लिए बैलों को खेत में छोड़ा। अंबिकापुर में सूखे से निपटने के लिए लोगों ने कसी कमर। 500 कुएं खोदकर बनाया रिकॉर्ड। रायपुर में एक साथ जन्मी 5 बच्चियों में से 3 की मौत। 2 का रायपुर के एम्स अस्पताल में इलाज जारी। बिलासपुर में वन विभाग की रेलवे से अपील। हाथियों के झुंड पर खतरे को देखते हुए ट्रेनों की रफ्तार कम करने की अपील। बस्तर में छीरम कांड की 3री बरसी पर कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। 2013 में नक्सलियों ने हमला बोल 32 कांग्रेसी नेताओं को मौत के घाट उतार दिया था। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। हैदराबाद में एक स्विमिंग पूल में 19 साल की युवक की संदिग्ध मौत। परिजनों को हत्या का शक। सऊदी अरब में प्रताड़ना की शिकार हैदराबाद की महिला ने परिजनों को भेजा वीडियो। मदद की लगाई गुहार। विशाखापट्टनम में केमिकल लेबोरेटरी में धमाका। हादसे में 1 की मौत 12 लोग घायल। तमिलनाडु में हार के बाद डीएमके की चिंतन बैठक। चुनाव में मिली हार के कारणों को लेकर माथापच्ची। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सिद्धरमैया ने बैंगलोर में बदहाल सड़कों का लिया जायजा। अलग अलग इलाकों में घूमे सीएम। कानपुर में छुट्टियों में ड्यूटी लगाने से नाराज महिला टीचरों का डीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। मिड डे मील से ड्यूटी हटाने की मांग। यूपी के जौनपुर में बाबुओं की लापरवाही से 110 टन सरकारी अनाज बारिश में भीग कर बर्बाद। रेलवे स्टेशन के माल गोदाम पर बाहर में पड़ा था अनाज। अहमदाबाद में एक अस्पताल की लापरवाही से महिला ने फुटपाथ पर बच्चे को दिया जन्म। इलाज के अभाव में हुई मौत। अमृतसर में एक शख्स ने बिजली के पोल पर चढ़कर किया हंगामा। खुद की जान को बताया खतरा। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम में चुने जाने पर मनदीप सिंह के घर जश्न। जालंधर में घरवाले अपने बेटे की कामयाबी से गदगद। मणिपुर के चंदेल में उग्रवादी हमले में शहीद असम राइफल्स के जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सभी का उनके पैतृक गांव में पूरे सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के श्रीनगर में 2 बसों में भीषण टक्कर। हादसे में 21 लोग घायल। बिजली गुल होने से अस्पताल में मोमबत्ती के सहारे इलाज।
उत्तराखंड के रामनगर में मां से अलग हुए तेंदुए के बच्चे को वन विभाग ने किया रेस्क्यू, नैनीताल चिड़ियाघर भेजा गया। राजस्थान के ब्यावर में एमएलए की फोटो के साथ छेड़छाड़ करके व्हाट्सएप ग्रुप पर डालने पर विवाद, ग्रुप का एडमिन गिरफ्तार। आदमखोर होने के शक में गीर के जंगल में 13 शेरों को पिंजरे में किया गया कैद, 2 महीने में 3 इंसानों का किया शिकार।